अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रुमान अहमद। आज मैं आपको बेसिक ड्राइंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। आपको बेसिक ड्राइंग टूल्स के लिए ग्रेड्स की पेंसिल्स चाहिए, उसका एक सेट चाहिए, आपको अच्छे वाला रेजर चाहिए और एक ड्राइंग बुक चाहिए और एक अच्छे वाला शार्पनर चाहिए ताकि आप अपनी पेंसिल्स को अच्छे से शार्प कर सकें, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं होगी तो वो अच्छे से कोई जरूरी चीज़ जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपने समझनी है, ये है कि आपकी पेंसिल्स के ऊपर जो ग्रेड लिखा होता है HB, इसका डिफरेंस क्या है। एच का मतलब होता है हार्डनेस, और हार्डनेस इसकी जिस पेंसिल की ज़्यादा होगी वो लाइटर टोन लगाएगी, उसमें क्ले की मकदार बहुत कम होगी। और इसी तरह जो बी है उसका मतलब होता है डार्कनेस यानी बोल्डर। बोल्डर पेंसिल में ग्रेफाइट की मकदार, क्ले की मकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी जो टोन होती है वो ज़्यादा डार्क होती है, तो लेकिन उसकी सॉफ्टनेस जो है वो भी ज़्यादा होती है, हार्डनेस उसकी कम होती है। तो एच और बी में मेजर डिफरेंस यह है कि एच जो है वो लाइटर टोन के लिए इस्तेमाल होती है और हार्ड होती है, और बी जो है वो डार्कर टोन के लिए इस्तेमाल होती है, बोल्डर टोन्स के लिए इस्तेमाल होती है, डार्क एरिया बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी सॉफ्टनेस जो है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद आपको ये ग्रेड की पेंसिल्स का इस्तेमाल आना चाहिए कि हम ग्रेड की पेंसिल्स को इस्तेमाल क्यों, इतनी ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस किस जगह पर करते हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ग्रेड की पेंसिल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है और किस तरह है। तो मैंने एक सर्कल लगाया है, हमारी लाइट और डार्क टोन का इन्हसार हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट पर होता है। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट राइट साइड से है तो हमारे राइट साइड पर लाइटर टोन होंगे और लेफ्ट साइड पर डार्क टोन होंगे। इन डार्क टोन्स को हम डार्क पेंसिल से बनाएंगे और लाइट टोन्स को हम लाइट पेंसिल से बनाएंगे, और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये एक रियलिस्टिक ड्राइंग बन जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने राइट साइड पर लाइट टोन्स लगाए हैं, क्योंकि मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि हमारी लाइट राइट साइड से आ रही है और लेफ्ट साइड पर हमारा शेडो बनेगा, और शेडो बनाने के लिए हम सबसे डार्क टोन की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे और सेंटर में हम दरमियाने ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपकी 3B 4B आती है, और सबसे डार्क हमारी जो होती है वो 9B 8B और 6B होती है, 7B होती है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट अगर राइट साइड से आ रही है तो हाईलाइट टोन सबसे सामने होगी, लाइटिंग टोन उसके ऊपर, और फिर शेडो टोन, और नीचे शेडो होगा, डार्क टोन होगी, हाफ टोन कहाँ पे होगी, ये आप इजीली इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो आपको अगर इसके मतलब और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।